Hi everyone. Today I'm going to talk about the topic All About Me. This is Riya and this is Arihan. They are friends. We all have names. Our name is an important part of us. We all have names. Names help our parents, friends, teachers and others to know who we are. Some of us even have nickname. Nickname is a special name given by our mother, father, sister, brother, uncle, aunt, grandparents, and some of our friends. Sabka nickname hota hai? All of you have nickname? Now, these are some students, kids, they are playing. Hello, I am Neera. I love playing in park. Hello, I am Amy. I am Gurmeet's friend. We love playing in the park. Hello, I am Gurmeet. I study in class 1. Hello, I am Nasir. I love playing in the park. So they all are giving their introduction. Some questions are there. Do you have a nickname? क्या आपका nickname है? Does your mother call you with? What does your mother call you? आपके मामा क्या बोलती हैं? आपके father क्या बोलते हैं? When is your birthday? हमें पता होना चाहिए हमारा birthday कब है? What is the color of your hair? आपका hair color क्या है? What is the color of your eyes? आपकी eyes का color क्या है? Do you have straight hairs or curly hair? आपके hair straight हैं या curly हैं? Do you have a pet? आपके पास पेट है अगर है तो उसका नेम बताइए ये सब हमें पता होना चाहिए अपने बारे में नाउ नेक्स्ट दिस इज़ माय फैमिली ये मेरी फैमिली है मम्मी पापा ब्रदर एंड सिस्टर सो सम ऑफ अस आर टॉल हम में से कुछ टॉल होते हैं वाइल सम आर शॉर्ट सम ऑफ अस आर लिटिल फैट एंड सम ऑफ अस आर थिन वी मे बी फेयर एंड वी मे बी हम कैसे भी हो सकते हैं फेयर भी हो सकते हैं डार्क भी हो सकते हैं वी मे बी ऑफ डिफरेंट कलर बट द शेप ऑफ आवर नोज मे बी डिफरेंट हमारी कुछ नोज की शेप अलग हो सकती है वी ऑल आर डिफरेंट वी मे लाइक डिफरेंट फूड आइटम्स अब हमारे को कुछ और पसंद है हमारे भैया को कुछ और पसंद है बट वी आर स्पेशल वी आर यूनिक इन आवर ओन वे हम सब अपने आप से अलग हैं यूनिक हैं और हम सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है सो हम ये नहीं कह सकते दिस क्वालिटी इज बेस्ट ठीक है एंड हम यूनिक हैं इसलिए हम स्पेशल हैं नाउ वी शुड नो अबाउट आवर बॉडी हमें अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए दिस इज माय हेड हेयर आईज माउथ एल्बो स्टमक थाई लेग फुट एंड टो जो हमारी फिंगर्स होती हैं फीट में इट इज़ कॉल्ड टो नाउ दिस इज हेड ईयर नोज फेस नेक शोल्डर चेस्ट आर्म हैंड फिंगर नी हील दीज आर ऑल द बॉडी पार्ट्स और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये सब हमारे बॉडी पार्ट्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस नाउ वी हैव फाइव सेंसेस सेंसेस होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ लाइक सेंस ऑफ साइट विद द आईज वी हेल्प इट हेल्प टू सी हम आईज से देखते हैं नाउ सेंस ऑफ टेस्ट टंग टंग इज सेंस ऑफ टेस्ट टंग से हम टेस्ट करते हैं सेंस ऑफ टच विद द स्किन विद द हैंड वी फील सेंस ऑफ टच विद द ईयर इट इज सेंस ऑफ साउंड एंड सेंस ऑफ स्मेल हम स्मेल किससे करते हैं आज मम्मा ने क्या बनाया कैसे पता चलता है आपको विद योर नोज सो All of these things play an important role in our life. Five senses are very important. We should know about ourselves. हमारे body parts के बारे में हमें पता होना चाहिए.
फाइव सेंसेस के बारे में पता होना चाहिए एंड आर नेम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ऑल आर यूनिक. ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा शॉर्ट है, हाइट कम है या ही इज़ टॉल, तो ये डिफरेंट है. दे आर यूनिक. हम सब यूनिक होते हैं और हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हमें अपने सब काम खुद करने चाहिए. वी शुड बी एबल टू टाई आर लेसेस, वी शुड बी एबल टू डू ईच एंड एवरी वर्क, राइट? ओके, बाय बाय.